कार्डिक पेशेंट्स भी हैं तो उनको हम धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं ताकि पेशेंट का ज़्यादा अच्छे से फंक्शनिंग हो सके। प्लस सिंपल तो आप लोग कर ही सकते हैं, फिटनेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। ये सारी अपनी मैगजीन से जी, जी 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 ये फिजियो टाइम्स मैगजीन जो कि इंडिया की पहली और अकेली मैगजीन है जो फिजियोथेरापिस्ट द्वारा फिजियोथेरापिस्ट के लिए। क्या बात है जी, अब ये मैगजीन 11वें साल में है और ये पैन इंडिया इसका सर्कुलेशन है, जम्मू से लेकर केरला तक हम इसको कवर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फिजियोथेरेपी कम्युनिटी को कनेक्ट करने की ब्रिज बनाते हैं एक तरह से दूसरे तरह तक सेम उसके वो अलग अलग जी, क्योंकि 11 साल है और ये बाय मंथली मैगजीन है, हर ऑल्टरनेट मंथ आती है तो हम हर पहलू टच करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, 11 साल से लगातार ये मैगजीन चल रही है। ये हमारा जो सेक्शन है ये बेसिकली फिजियो टाइम्स का ऑफिस की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं और फिजिक्योर का भी सेंट्रल ऑफिस है, क्योंकि यहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरास जो हमारे हर सेंटर पर लगे हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि हमारे सीसीटीवी में दिख रहा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, पेशेंट कैसे ट्रीट हो रहा है, तो हम उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये USP है, यूनिक बात है, खूबसूरत सेटअप बनाया है, हम इसकी बात करना चाहेंगे तो। अच्छा, ये आपने ग्रीन प्रोमो भी लगा रखा है, नाइस, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यहाँ पे शूट होते हैं कि हम जिन जिन ब्रांचेस में काम करते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को ये दवा नहीं होता तो हम क्या स्पेसिफिकली किसी एक पे ही काम करते हैं, हम बहुत सारे एरिया से ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी से लेकर न्यूरोथेरेपी, जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी का प्रॉब्लम आते हैं, या बुजुर्ग जितने भी हैं उनके सारे मल्टीपल पेन सीरीज फंक्शनल प्रॉब्लम्स उन सबको हम कवर करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिकल यानी कि प्री पोस्ट नेटल एंटी नेटल सेशंस भी हम कंडक्ट कराते हैं, वर्क प्लेस भी कंसेप्ट है हमारा, यानी ऑक्यूपेशनल जिसे कहेंगे जो अगर पेशेंट नहीं है लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में जो काम करता है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करता है, तो कैसे हम पॉस्चर इम्प्रूव करके कैसे हम फिजियोथेरेपी गाइडलाइंस फॉलो करके अपनी एक्टिविटी में डालें और धीरे धीरे इन पेज जो पेन्स और एड्स आते हैं उसे निकाल सकते। दर्द के विरुद्ध युद्ध में रखा जो पहला कदम, दहली से ही सुरक्षा चक्र का शुरू हो जाता है क्रम, एहतियात का विश्वास देता हर लम्हा साथ, आपकी सुरक्षा से होती निराशा के अंत की शुरुआत, बढ़ चले आगे हम ध्यान में रखकर सारे नियम, दर्द की हर दास्तां पे अब गौर करते जाना है,
आपकी क्षमताओं का करने विस्तार। आधुनिक तकनीकें देंगी पूरा साथ। मुश्किलों को सहने से अब करना है इनकार। अनुभवी सुरक्षित साथ लाएगा हर चेहरे पे मुस्कान। हाइजीन हमेशा से हमारी प्रायोरिटी रही है और कोविड सिचुएशन ने हमें और अलर्ट कर दिया है, तो हम तैयार हैं सभी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपको वेलकम करने के लिए और आपका एक सेफ ट्रीटमेंट करने के लिए। वी आर रेडी। दूरी ना होगी अब इस दर्द को सहने की मजबूरी। हर समय हमारा साथ अब होगा आपके साथ। हेलो दोस्तों, फिजिक्योर भोपाल में 4 नए एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स साथ आ रहा है। कोविड-19 के चलते आज का न्यू नॉर्मल है कि पेशेंट्स क्लिनिक तक कई बार नहीं आ पाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने टेली हेल्थ की सुविधा शुरू की है, जिसमें कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशेंट्स को कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, कब करनी है समझाया जाएगा। तो आप सबका स्वागत करने के लिए हम उत्सुक हैं। दर्द के विरुद्ध युद्ध में दृढ़ता से बांधेंगे हम विश्वास की डोर। हारेगा दर्द, जीतेंगे आप। यहाँ हम हैं फिजिक्योर। फिजिक्योर एडवांस्ड फिजियोथेरेपी क्लिनिक जल्द आ रहा है 4 नए क्लिनिक्स के साथ, होशंगाबाद रोड, इंद्रपुरी, लाल घाटी और कोलार रोड पर। फिजिक्योर कॉर्पोरेट हेड ऑफिस 49 इंडस एम्पायर फेज 3 बंसल हॉस्पिटल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर। हैशटैग सेव द नंबर 8908902010 और विजिट www.physicure.com। फिजिक्योर, वी केयर टू क्योर। नमस्कार, भास्कर न्यूज के विशेष कार्यक्रम इलाज का इलाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्रांति प्रिया और आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ फिजिक्योर। एक क्यूरियोसिटी आई ना कि फिजिक्योर क्या है। नाम से तो वैसे जस्टिफाई है कि फिजियोथेरेपी से जुड़ा कुछ मसला हो सकता है, तो बिल्कुल मैं जानकारी दूंगी तमाम कि किस तरह से फिजिक्योर काम कर रहा है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है या क्लिनिक है, जो भी है वो राज मैं धीरे धीरे खोलने वाली हूँ। एक लाइन अगर बोल देती हूँ फिजियो केयर की, अगर मैं बात करना चाहूँ, मैंने खुद यहाँ आकर सुनी और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी और बहुत ही कैची लाइन थी, बहुत कोरोना से दूर भागो वगैरह वगैरह तो हमने सुना ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भागेगा दर्द और जीतेगा फिजियो केयर, तो फिर कैसा लगेगा? बिल्कुल, दरअसल ये काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो फिजियो केयर क्या है, किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, किस तरह से फिजियोथेरेपी से जुड़कर कौन से लोग हैं जो इस सालों से जुड़कर लोगों के दर्द से राहत उनको पहुंचा रहे हैं, तो चलिए तमाम जानकारी देंगे। आज हम जहां पर आए हुए फिजियो केयर में, उसकी डॉक्टर महत्वपूर्ण कड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनुभा है हमारे साथ और फिजियो है वो यहाँ पर, और बताना चाहूंगी कि इस संस्था से वो कई सालों से जुड़ी हुई हैं और कई अच्छे काम भी कर रही हैं, और इस क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को, ना सिर्फ मैं भोपाल शहर की अकेली बात नहीं कर रही हूँ, इस शहर से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दर्द से राहत मिली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनुभा। जिस तरह से मैं अभी दर्शकों को बता रही थी कि फिजियो केयर का नाम डॉक्टर अनुभा, डॉक्टर अनंत के साथ जुड़ चुका है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कैसे हुई फिजियो केयर की शुरुआत। देखिए, हम काफ़ी सालों से मैं फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई हूँ और बेसिकली हमने ये देखा है कि फिजियोथेरेपी लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स हम तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि फिजियोथेरेपी में करीब हज़ारों कंडीशंस का इलाज होता है। ये लिमिटेड नहीं है ऑर्थोपेडिक न्यूरो फिजियोथेरेपी तक, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उन ब्रांच के पेशेंट्स तक हमको पहुँचना ज़रूरी है। तो एक कंसेप्ट है फिजिक्योर, बेसिकली स्टार्ट हुआ एक मिशन के साथ, एक सोच है, ये एक कंसेप्ट है जिसमें एक टीम ऑफ बोलेंगे पैशनेट फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ते गए और एक चेन बनती गई। तो हमने एक चेन बनाई है एडवांस्ड और इनोवेटिव फिजियोथेरेपी सेंटर्स की, जिसमें डिस्टेंस की दूरियां बोलते हैं ना, दूरियों की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया गया है और पेशेंट्स तक हम पहुंचे या पेशेंट्स हम तक पहुंचे, ये हमारा मिशन है जिससे फिजिक्योर को शुरू किया गया है। मतलब अगर मैं सालों की बात करूं तो कितने लंबे समय से ये सफर चल रहा है फिजियो केयर का? देखिए, फिजिक्योर को अभी हमने एक ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा सून। कंसेप्ट काफी पुराना है और फिजिक्योर का जो ऐप है, यानी कि एक डिजिटल तरीका, क्योंकि आजकल पूरा दुनिया डिजिटल हो गई है, कनेक्ट करने का, उसका काम करीबन 3 साल से चल रहा है एक टीम के साथ। हम हमारी टेक टीम और हमारे खुद का कंसेप्ट, इनहाउस कंसेप्ट से वर्क करके एक स्पेशलाइज कस्टमाइज ऐप बनाया गया है, जिसे पेशेंट और चिकित्सक अपने घर बैठे बैठे और क्लिनिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आने जाने की प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं।
हाँ मतलब जो लोग सोच रहे होंगे ना कि अगर मैं भोपाल में रहता हूँ और भोपाल की इस जगह पर रहता हूँ तो ही मैं फिजियो केयर में जा सकता हूँ, अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे भोपाल के बाहर, अगर जो लोग, क्योंकि हमारे दर्शक तो तमाम जगहों पर फैले हुए हैं, देश और देश के बाहर भी इस प्रोग्राम को देखा जाता है, बहुत पॉपुलरिटी है इस प्रोग्राम की, तो जो लोग अगर दूर रहकर भी जुड़ना चाहते तो एक ऐप का जिक्र किया, मैं ज़रूर चाहूँगी एक बार फिर से दोहराया जाए और उस ऐप का नाम ज़रूर बताया जाए ताकि वो अभी इंस्टॉल कर लें। फिजिक्योर ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारे फीचर्स आपको दिखेंगे। पहला फीचर होगा कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में एक खास बात एडेड है इसमें, वो है वीडियो कंसल्टेशन, यानी कि टेलीफोनिकली कभी कभी फिजियोथेरेपी में इतना आसान नहीं होता परामर्श देना, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसकी चाल हो, उसका पोस्चर हो या बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो वीडियो कंसल्टेशन जब पेशेंट बुक करता है तो हम वो सब चीज़ें नोट कर सकते हैं, एक प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे सिमिलर जैसे हमारे क्लिनिक पे होता है वैसा ही हम काफ़ी हद तक उसको कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती हैं। देखिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां जरूरत नहीं है बहुत हाई फाई मोडालिटीज की या मशीनों की, बस सही एक्सरसाइजेस सही तौर से करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक खास पहल की गई ऐप में, वो ये है कि करीबन 1200 एक्सरसाइज शूट की गई हैं जो हमने, हमारी टीम ने करी है, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए वैलिड होती हैं, क्योंकि लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो यूट्यूब पे या सेल्फ एक्सप्लोर करके कई बार कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जो सही हो उनके लिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम जब एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे एक पेशेंट को तो उसकी सारी चीज़ों को, उसका पूरा असेसमेंट ध्यान में रखते हुए करेंगे, जो वो उसके मोबाइल में वीडियो के फॉर्म में आ जाएगी और वो उसको देख सकते हैं और दोहरा सकते हैं और हमसे फॉलोअप कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सेंटर की मैं बात जरूर करना चाहूंगी कि कितने सेंटर ऑफ फिजियो केयर के हो चुके हैं और अब नई तैयारी, नए प्रोजेक्ट पे अगर हम बात करें तो हाँ बेसिकली अभी हमने 4 सेंटर स्टार्ट किए हैं भोपाल में जो कि चारों कोनों को कवर करते हुए हैं, क्योंकि पिछले कई साल की प्रैक्टिस में हमने ये पाया कि डिस्टेंस कई बार लिमिट कर देता है पेशेंट को, क्योंकि फिजियोथेरापी में सिर्फ कंसल्टेशन नहीं होता, फिजियोथेरापी में सेशंस होते हैं, यानी कि आपको कुछ टाइम आना या रेगुलरली अटेंड करना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने चार कोने, यानी कि बावड़िया कला, इंद्रपुरी, लाल घाटी और होशंगाबाद रोड, ये एरियाज कवर करे हुए हैं जहाँ पे हमारे सेंटर्स सेंट्रली काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सेंटर है तो वहाँ का अलग सिस्टम या कल्चर है, चारों सेंटर्स हमारे एक ही कंसेप्ट, एक ही मिशन, एक ही फॉर्मेट पे काम करते हैं और हम सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो पेशेंट की केयर, उसका सेंट्रलाइज प्रोग्राम बनाना हमारा पहला उद्देश्य है, कोताही नहीं बरतते। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो जिक्र किया है, जिन जगहों का नाम बताया वो भोपाल शहर से जुड़े हुए हैं, तो अगर भोपाल के दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जल्दी से दौड़ लगाइए, क्योंकि दौड़ लगाना तो वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन हाँ इन सेंटर पे जो आपके नज़दीकी जो सेंटर है फिजियो केयर का वहाँ पर पहुँचिए। मैंने बहुत सारी एडवांस चीज़ें यहाँ पर देखी जो नॉर्मली किसी भी फिजियोथेरेपी के सेंटर में मैंने अभी तक तो नहीं देखी थी, तो मैं ज़रूर चाहूँगी क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी का आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया जाए। जी हाँ, देखिए अभी कन्वेंशनल फिजियोथेरापी तो बेसिक है, वो तो हम करते ही हैं, उसके अलावा हम काफ़ी सारी एडवांस टेक्निक्स में भी बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि कंटिन्यूस ग्रोथ हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो कुछ टेक्निक्स जैसे कि कपिंग टेक्निक हुई, ड्राई नीडलिंग विच इज़ अ वेरी वेरी न्यू बट वेरी इफेक्टिव टेक्निक, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, के कैट विच इज़ काइनेमैटिक चेन एक्टिवेशन टेक्निक, जो एक कंसेप्ट है जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उस पर भी हम काम करते हैं। प्लस हम और भी नई चीज़ें अब आगे भी डिजाइन कर रहे हैं, करते रहेंगे, जिसका फायदा भोपाल वालों को तो जरूर होगा। बिल्कुल, अब चूंकि हम दोनों ही जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, मतलब बीइंग फीमेल अगर मैं सवाल रखना चाहूँ, आपने जो टेक्निक हमें अभी गिनाई है उसमें से खास तौर से महिलाओं के लिए कौन सी टेक्निक ज्यादा काम कर रही है? आपने बोला कुछ टेक्निक तो बाकी बहुत अच्छे परिणाम दे रही है, तो वो कौन सी तकनीक है? देखिए टेक्निक स्पेसिफिकली महिलाओं पे या उस पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और आपकी नेसेसिटी पे जरूरत करती है। अगर मसल टाइटनेस है तो कई बार खासतौर पर महिलाओं में ट्रेपेजाइटिस की प्रॉब्लम हम देखते हैं, यानी कि गर्दन और गर्दन के पास कंधे, कंधे की जकड़न, फ्रोजन शोल्डर का फॉर्म ले सकती है, या यहाँ पे ट्रेपीज मसल, जो कि ऑनलाइन होने की वजह से चीज़ें और भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। करीबन 70% हमारे अभी के पेशेंट्स इसे जूझ रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये फीमेल एज ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे ड्राई नीडलिंग, कपिंग, ये टेक्निक्स
अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल फिजियोथेरापी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, और फिर एक्सरसाइजेस जो उनको रेगुलरली फॉलो करना है और हमारे साथ टच में रहकर रिव्यू करना है। बिल्कुल सही बात है। फिजिकेयर की अगर मैं बात करूं, स्पेशली इस सेंटर में बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छी देखी, जैसे कि आपने पूरी तरह से, उस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हो जाता है सावधानी का रखना, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने यहां पर देखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूंगी दर्शकों को एक बार बताया जाए कि किसी भी सेंटर में अगर आप जाते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने वो प्लस पॉइंट देखा है, तो यहां आपने किस तरह से कोरोना को ध्यान में रखते हुए तैयारी की, क्योंकि पेशेंट आना तो रुक नहीं सकता, फिजियो केयर जरूरत बन चुका है भाई लोगों की। तो किस तरह से आप उनकी सेहत और उनके कोरोना से बचाव का ध्यान रखते हैं? बेसिकली हमने जब शुरू किया था सेंटर, दैट वाज जून जुलाई, यानी कि उस टाइम हमको इस चीज़ को बहुत ज़रूरी था, पेशेंट को विश्वास दिलाना, और ये हमने अपना बेस बनाया, अपना कंसेप्ट बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग से ट्रीटमेंट, इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग जो बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन एवरीथिंग का। और यहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाहूँगी, हमारे पास अलग से भी ज़ीरो वायरस नाम के ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि यूवी रेस की मदद से सैनिटाइजेशन करते हैं, यानी कि डिसइंफेक्शन करते हैं बेसिकली। तो हमारी जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोडालिटीज़, मशीन्स का हमने यूज़ किया एक पेशेंट पे, उसके इलेक्ट्रोड्स किए, उनको क्लीन और सैनिटाइज करने के अलावा हम उन्हें डिसइंफेक्ट भी करते हैं, यानी कि हम प्रॉपर सारे बेसिस को मेंटेन करके रखते हैं फॉर एवरी पेशेंट, जो कि आज की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से आप सारी चीज़ों को नोट करते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण समय उन्होंने निकाला है हमारे लिए, हम फिजियो केयर में जो आए हुए हैं। एक चीज़ और आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई किस तरह के डॉक्टर, किस तरह के विशेषज्ञ यहाँ पर होंगे, फिजियो केयर क्यों अलग है दूसरे सेंटर से, इतने सारे तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं शहर में, तो फिर मुझे फिजियो केयर में डॉक्टर अनुपा से ही ट्रीटमेंट क्यों करवाना है? तो इसका मतलब है कि गैस फैकल्टी एक अहम रोल प्ले करती है। तो आपके यहाँ की अगर मैं गैस फैकल्टी की बात करना चाहूँ या उनकी विशेषज्ञता की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो ज़रूर दर्शकों की क्वेरी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, हमारी तो पूरी टीम ही एक्सपर्ट्स की है, यानी कि हमारे पास सभी तरफ से न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट, मैं खुद कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापिस्ट हूँ, प्लस हमारे पास जो भी ट्रेंड है। और एक खास बात ये रही कि कोरोना के टाइम पे हमने अपने पूरे स्टाफ को वेस्ट नहीं किया है टाइम, उस टाइम हमने इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, जो कि हमारे फिजिक्योर के कंसेप्ट को यूनिक बनाता है, यानी कि आप किसी भी सेंटर पर जाएंगे, आपको ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड ही मिलेगा। हर थेरेपिस्ट अपने आप में वेली ट्रेंड है, फुली ट्रेंड है, और वो हमेशा हमारे कनेक्ट में है, प्लस हम अपने पेशेंट के डॉक्टर्स के कनेक्ट में भी रहने के, ये हमारे ऐप की भी खास बात है कि ऐप डॉक्टर से भी कनेक्ट बनाना है, यानी ये नहीं कि हम उन्हें फॉलोअप नहीं देते, हम उन्हें बताते हैं आपका पेशेंट की ये स्थिति है, ऐसा था, सो दैट हम हर तरफ से ट्रस्ट पे काम कर सकें। बिल्कुल, अब चूंकि पेशेंट का जिक्र निकला है, तो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि अभी अगर मैं इन 6-7 महीने थोड़ा हम पीछे चलते हैं, इस साल की अगर मैं बात करना चाहूँ, जब से लोग डरे हुए थे, मतलब तनाव भी उनका आ गया है, शारीरिक तो तकलीफें दूर होती ही हैं इस सेंटर में आके, लेकिन अब चूंकि मानसिक तकलीफ से भी लोग गुजर रहे हैं, किस तरह का अनुभव हुआ, लोगों का क्या सोचना रहा, क्या संख्या में कमी आई थी, या लोगों के सवाल अलग हुए, या लोगों की बीमारियाँ अलग हुई? बेसिकली देखिए, शुरुआत में सेंटर में लोग डरे हुए थे, वो तो नेचुरल ही था, इसीलिए टेली हेल्थ का कंसेप्ट लाया गया। टेली मेडिसिन में जहाँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, टेली हेल्थ एक होलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ हम मेडिसिन पे काम नहीं करते, हम पेशेंट को अपने सुदूर रहते हुए भी उनको कनेक्ट करते हैं, उनका प्रॉब्लम असेस करते हैं, और उसका अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट कर सकते हैं। घर पे भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आइस फर्मेंटेशन हुआ, बर्फ़ की सिकाई, गर्म सिकाई, सही पॉस्चर ट्रेनिंग, अगर कोई पैरालिटिक पेशेंट है तो उसको टर्न करने के तरीके से सही, घर वाले कैसे उसको सही तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जो भी वो बेस्ट कर सकते हैं घर में रहते हुए, हमने टेली हेल्थ से शुरुआत करी। धीरे धीरे विद सारे प्रिकॉशंस कोविड वाले लेते हुए हमने सेंटर्स की ओपनिंग करी। शुरुआत में एक बेसिक हिचक डर थी, लेकिन अभी अगर मैं कहूँ तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि कितनी सारे मेजर्स लेकर हम अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और सही जैसे आपने कहा कि मरीज वेट नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें वेट कर सकती हैं, शॉपिंग वेट कर सकती है, बाकी चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन दर्द वेट नहीं कर सकता, तकलीफें और वेट करना भी नहीं चाहिए। जब हम नए पैरामीटर्स ला रहे हैं तो उन पर विश्वास करें और ज़रूर कनेक्ट। बिल्कुल सही, जब विश्वास की बात निकली है, तो आज के समय में अगर फिजियोथेरेपी सेंटर की मैं बात करना चाहूँ, तो वाकई विश्वास का दूसरा नाम फिजियो केयर हो चुका है, जिसके लिए मैं बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि आप लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और चीज़ होती है, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, उसको लोगों की प्रतिक्रियाएँ आगे बढ़ाती हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण फिजियो केयर है, क्योंकि कम वक्त में सेंटर ओपन कर देना, ऐप लेकर आ जाना, इतने सारे लोग आपसे जुड़ चुके हैं, ना सिर्फ शहर के बाहर, प्रदेश से बाहर भी लोग, किस तरह का फीडबैक मिलता है फिजियो केयर को?
देखिए हमारे प्रिंसिपल ही ये है कि उपचार पहले, यानी कि हम पहले ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। हम आपको कोई अश्योरेंस नहीं देते, जैसे मेडिकल लाइन में कोई अश्योरेंस नहीं होता, आप खुद फील करेंगे, पेशेंट हमारे खुद फील करेंगे कि क्या डिफरेंस आया है, उनकी तकलीफ कैसे कम हुई है, उनका कैसे बेटर हेल्थ हुई है, और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करते हैं। कोई ऐसा बांध के रखने वाला सिस्टम नहीं है। यू गेट ट्रीटमेंट, बेहतर हो जाएं, ये हमसे इससे अच्छा हम कुछ भी नहीं चाहते। तो टेस्टिमोनियल्स हमारे बताते हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्फ कि हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड हैं और कैसे वो अपने आप को। बिल्कुल, एक और चीज़ मैंने रोचक यहाँ देखी, जब मैं यहाँ आ रही थी, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में भी, आपने देखा होगा हमारे विजुअल्स में भी, जब हम यहाँ एंटर कर रहे थे तो जो चीज़ हाईलाइट की मुझे सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से, तो वो मैगजीन की कटिंग थी, फ्रंट पेज मैं देख पा रही थी जब मैं स्टेयर से चढ़ रही थी, तो मैंने देखा बहुत सारे मैं इस एक मैगजीन के कई सारे कवर लगे हुए थे। तो मैं क्यों ना दर्शकों को भी, आप मेरे साथ दर्शकों को भी बताइए कि दरअसल ये किस तरह की मैगजीन है और इसकी स्पेशलिटी क्या है। देखिए फिजियो टाइम्स इंडिया की पहली और अकेली फिजियोथेरापी मैगजीन है जो फिजियोथेरापिस्ट द्वारा है और फिजियोथेरापिस्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक नहीं पढ़ सकती, पर अगर पेशेंट आपने देखा है तो आप बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैगजीन पैन इंडिया है, यानी कि हम केरल से लेकर जम्मू तक सब तरफ इसको सर्कुलेट करते हैं, और इसका भी फिजियो टाइम्स ऐप है, यानी अगर आप कहीं दूर हैं और आप नहीं हार्ड कॉपी करवा सकते हैं, अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जानकारियां पा सकते हैं कि कैसे दुनिया भर के कहना सही रहेगा, क्योंकि हमारे कई राइटर्स अब्रॉड से भी हैं, वो ऐसे राइटर्स भी हैं हमारे पास जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं फिजियोथेरापी की, और आज वो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं फिजियो टाइम्स के थ्रू। तो ये 11वां साल है फिजियो टाइम्स का, और हमें बहुत खुशी है कि हम इसको भी अभी इस कोरोना से निकल कर भी लोगों तक पहुँचा पाए हैं। बिल्कुल, कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया है फिजियो केयर ने। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट कर दिया, एक टेंटेटिव अगर मैं आंकड़ा पूछूं, तो एक सुखद अनुभव होता है ना जब आप बताते हैं कि 10 में से 9 लोग सुखद अनुभव देते हैं, इतने सारे लोग ट्रीटमेंट पा चुके हैं फिजियो केयर से, तो क्या होगा वो आंकड़ा? अगर मैं रफली कहूँ तो करीब 100 पेशेंट्स हम टच कर चुके हैं अभी रीसेंट बहुत ही। और ऐप में टेली हेल्थ एक अलग कंसेप्ट है, वो तो है ही, क्योंकि उससे तो लोग हमसे बहुत आते हैं परामर्श, नहीं कर पाते हैं तो फॉलो अप में ज़रूर आ पाते हैं, तो वो तो है ही। और टेली हेल्थ में मैं आपको बताऊँ, एक खास कंसेप्ट ये भी है कि हम फिजियोथेरापी सिर्फ कंसल्टेशन नहीं दे रहे, सेशंस भी ले रहे हैं, यानी कि अगर पेशेंट घर पे है तो वो ऐप में सिर्फ सेम अपॉइंटमेंट बुक करके साथ ही साथ हमारे थेरेपिस्ट फिजियोथेरापिस्ट उन्हें बता रहे हैं कि एक्सरसाइज ऐसे करनी है, और वो उसको कर रहे हैं सामने। तो ये एक टिपिकल सेशन ही हो गया, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ा, आपको आना नहीं पड़ा, लेकिन आप सेम वन टू वन कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक 45 मिनट एक घंटे के सेशन में आप बिल्कुल पर्सनलाइज अटेंशन पा पा रहे हैं। तो ये एक अलग, तो हमने काफ़ी कोशिश अभी कर ली है शुरुआत। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जितनी बातें हम अभी कर रहे थे, आपने देखा होगा कि हमने फॉलोअप के बारे में जो पूछा, लोगों के फीडबैक के बारे में पूछा, ये तो उन्होंने मुझे अभी बताया। आप देखना भी चाहेंगे कि हम हमेशा बोलते हैं भास्कर न्यूज़ में कि जब लोग जो बोलते हैं उसे हम ज़रूर दिखाते हैं, तो हमारे पास खूबसूरत से वीडियोज़ हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि फिजियो केयर से जुड़कर उनको किस तरह से फ़ायदा मिला है। तो चलिए एक झलक उसकी भी देख लेते हैं। हाय, आई एम पर्णिका श्रीवास्तव। Hi, I'm Anuradha Sabu. Hello, I'm Saurabh. Hello. After going through dilemma to select a best clinic for my physiotherapy, few days back I was going through a lot of pain in my shoulders, in my neck and hand. It was making very difficult for me to work. I luckily came to Physicure Center, and within few days I got relief from my pain. I would like to thank Team Physicure for treating my foot sprain. And at that time, I got in contact with Anubha ma'am and Anand sir. From Physicure, मैं पिछले एक साल से जानता हूँ उनको. They diagnosed my problem and understood what was going wrong in my posture and why the problem was, why there was constant pain and numbness in my hand. मेरी आंटी एक थी जो पैरालिटिक थी. बहुत अपना व्हील चेयर फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, और विद इन 10 सिटिंग्स आनंद जी ने उनको एक्चुअली अपने सुपरविजन में वॉक करवाया। आई टुक फ्यू सेशंस एट फिजिक्योर व्हिच रियली हेल्प मी, एंड दे आल्सो गेव मी लेटर ऑन सम एक्सरसाइजेस व्हिच आई डिड रेगुलरली एंड गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स।
kudos to the entire team, Anant sir, Anubha ma'am, and other staff members for being so helpful and so supportive and so knowledgeable about what they're doing. It is amazing to be pain-free for such a long time. So here I wanted to mention three points which make PhysiCure stand apart. First is accurate diagnosis. Second is performance-based treatment they give. And the third and most remarkable point is dedicated and sincere efforts of PhysiCure team. Also, PhysiCure is maintaining utmost hygiene because it's the need of the hour. I would always recommend PhysiCure for any physiotherapist-related treatments. I really want to thank him for this and highly appreciate him for his job. I wanted to thank Mr. Anant and Dr. Anubha for this support. And I would like to thank Ruchi, Anubha and Anant sir for such amazing treatment. So keep up the good work. Thank you so much. And best wishes to the PhysiCure team. Treatment. Thank you so much. Wishing all the best. Thank you. तो फिर अभी आपने जाना, डॉक्टर अनुभा सिंह ने हमें बताया कि किस तरह से PhysiCure हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अच्छी सेहत की दरकार तो सभी को होती है, क्योंकि हम सुनते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। तो अब बिल्कुल भी दर्द सहने की जरूरत नहीं है आपको। जिस तरह से एक आसान और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आप कम वक्त में अच्छी सेहत फिर से पा सकते हैं, हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं और रहना चाहते हैं, तो आज ही PhysiCure में जरूर विजिट करें, क्योंकि स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है और हमारा अधिकार भी है। तो फिलहाल के लिए इलाज का इलाज कार्यक्रम में क्रांति प्रिया को यही दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।